Hello everyone, welcome back to our channel Edu Sci Teach Classes. In today's session, we are going to cover MCQ on Oedipus Rex by Sophocles. Okay, and as we know that it is one of the super important part of any preparation, which is MCQ practices. Jitna zyada practice karenge, utni zyada preparation hamari achhi hogi. Okay, I know that MCQs can sometimes feel like a tricky maze. Jo MCQs hote hain, kabhi kabhi aisa lagta hai ki humne jo works kiye hain, wo tricky exactly answer nahi kar pate easily. But don't worry, we are here to navigate it together. We will discuss, we will explore the question, which type of questions are there in exams or PYQ. So in today's session, we will be covering 50 questions. Okay, and taking our time to analyze each one. And of course, we will also discuss some handy tips to tackle similar questions. Again, hamari jo approach rehti hai questions ki, ye kaisi hai, ye important hai. Okay, kaise questions ko tackle karna exams mein. So get your pen and notebooks ready and let's jump right in. Okay, let's begin the session. So I will read aloud question and try to answer before me. Okay, so first question is, who is the author of Oedipus Rex? That is very easy question, I know. Yes, very good. Sophocles. Okay, yahan pe Sophocles kahan ke writer hai, means Roman, Greek, Italian, jo bhi hai bataiye. Very good. Sophocles is Greek dramatist, Greek tragedian. ओके, जब हमने सेशंस किए थे, हमने डिस्कस किया था, देयर वर थ्री एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियंस. तो थ्री ग्रीक कौन से थे बताइए, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको याद होने चाहिए. यस, फर्स्ट इज फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन है, यस बताइए. ये आपके लिए होमवर्क है. फर्स्ट का नेम ए से है, एक का एस से है, थर्ड का ई से. तो प्लीज राइट इन कॉमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिटी इज द सेटिंग ऑफ फॉर ओडिपस रेक्स. आप साथ के साथ ये बताओगे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था ड्रामा में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिटी इज द सेटिंग फॉर ओडिपस रेक्स. ओडिपस रेक्स की सेटिंग क्या थी. यस, थेब्स. वेरी गुड. द प्ले इज सेट इन थेब्स. जो हमारा जो प्ले था वो थेब्स में सेट हुआ था. और मोस्टली अगर आपने देखा हो, नोटिस किया होगा, ग्रीक मिथ्स में जो भी मोस्टली चीजें हुई है वे थेब्स के अराउंड मिलेंगे आपको. ओके, सेंट्रल सिटी काइंड ऑफ थेब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ओडिपस सीकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले. जब हमारा प्ले बिगिन हुआ था तो उस टाइम पे क्या ओडिपस सीक कर रहे थे बताइए. यस, रिवेंज. नो. Prophecy? No, उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था. The truth about his identity? No. A cure of plague. Again, मैंने बताया था शुरू में, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शुरू का सीन कहाँ था. तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे प्रीस्ट जो थे वो कंसल्ट करने आ रहे थे उसके साथ, ओडिपस के साथ, कि जो भी प्लेग हो रहा है उसको कैसे ना कैसे इजिली हम इसको खत्म कर सके. तो शुरू में क्या सीकिंग था. यस, अ क्योर ऑफ प्लेग, फॉर अ प्लेग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्लाइंड प्रॉफिट दैट ओडिपस कंसल्ट. बताइए कौन था प्रॉफिट, ब्लाइंड प्रॉफिट. यस, टाइरिसियस. ओके, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, रिप्रेजेंट, ये नोट्स उसमें लिखा है मैंने एब्रिविएशन में, रिप्रेजेंट विजडम. वेरी गुड, विजडम एंड फोरसाइट, although he was blind. Next question, what was Tiresias revealed to Oedipus? Oedipus को Tiresias क्या रिवील करता है. He is the cause of plague. He will win a battle. He will find his parents. He will marry Jocasta. Yes. तो वो बताता है कि यू आर द रीजन, यू आर द कॉज ऑफ द प्लेग. जब उसको पूछते हैं कि बताओ बताओ, वो पहले मना कर देता है, तो वो उस पर ट्रीजन का वो एक्यूज कर देता है कि तुम्हारी कोई ना कोई प्लॉटिंग चल रही है मेरे अगेंस्ट में. तो तब वो बताता है कि यू आर द कॉज ऑफ द प्लेग. नेक्स्ट इज, हु इज द ओडिपस वाइफ. सो द आंसर, व्हाट वाज द आंसर, व्हाट इज द आंसर. एंटीगोन, इसमें, जोकास्टा, इलेक्ट्रा. यस, सो द आंसर इज जोकास्टा. एंड जोकास्टा वॉज wife of Laius, former king of Thebes. Oedipus ki bhi wife hai as well as his mother. Next is, what does the Sphinx ask Oedipus to solve? Sphinx kya tha? Pehle to aap ye bataoge. Yes, ye ek mythical creature tha. Mythical creature. And wo kya puchta usse? Yes, a riddle. तो वो जो ट्रेवलर्स होते हैं वहां पे, जो थीव्स का जो मेन पार्ट होता है वहां पे, ये क्वेश्चन पूछता है जो ट्रेवलर्स आते हैं, जो उसे सॉल्व कर देता है, लीडिंग टू हिज असेंशन एज हिज एज अ किंग ऑफ थीव्स. तो जब उसको रिडल देता है, रिडल को वो सॉल्व कर देता है ओडिपस, और वहां का किंग बन जाता है. अब यहाँ पे जो रिडल थी वो क्या थी बताइए, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. प्लीज राइट इन कॉमेंट. नेक्स्ट इज, हाउ डज ओडिपस बिकम किंग ऑफ थीव्स. ओडिपस थीव्स का किंग कैसे बना. Yes, he defeats the Sphinx. यहाँ पे ये मत कहना कि वो इलेक्ट हुआ था, मैरी की थी या इनहेरिट किया था, या फिर इसने किंग को मारकर, ठीक है, बाय किलिंग द लेउस. तो यहाँ पे क्या होगा, उसने स्फिंक्स को हरा दिया था, जो मिथिकल क्रिएचर था वहां का, उसके रिडल को सॉल्व करके. नेक्स्ट इज,
व्हाट इज जकास्टास रिएक्शन टू टायरिसियस प्रोफेसी, जब उसकी वो प्रोफेसी थी तो उसका क्या रिएक्शन था? यस, शी ट्राइज टू डिसमिस इट, वो उसको कहते हैं कि तुम इस पर यकीन मत करो, तो उसको बताती भी है। अच्छा, वो कैसे डिसमिस करती है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो कि यू आर द कॉज ऑफ दिस प्लेग, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ऐसे पहले भी प्रोफेसी आई है और आपको तुम्हें पता भी होगा कि जो लियोस था उसकी प्रोफेसी ये थी कि ही विल बी किल्ड बाय हिज ओन सन, बट क्या हुआ लास्ट में, वो किसको किसने मारा उसको, कोई स्ट्रेंजर्स थे, थीव्स थे, उन्होंने उसको मार दिया, तो ये प्रोफेसी वगैरह कुछ सच नहीं होता, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लो ऑफ ईडिपस, ईडिपस का फ्लो क्या था? यस, ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? प्राइड। ओके, तो यहाँ पे ईडिपस का एक्सेसिव प्राइड था जो लीड करता है हिम टू डिफाई द गॉड एंड द फेट। ये ह्यूब्रिस कैसे था, जब उसको उसकी प्रोफेसी पता चलती है तो कहता है कि आई विल, इसको मैं स्किप करूंगी, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, आई कैन अवॉइड दिस फेट, तो अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ पर आ जाता है, ओके, एंजियोकास्टस मैरी कर लेता है। तो उसकी क्या थी प्राइड, क्या था कि आई विल डिफाई गॉड्स एंड द फेट। अल्टीमेटली क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट इज ऑन डाउनफॉल, लास्ट में वो अपनी प्रोफेसी की ही तरफ जाता है जो लास्ट में फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does Oedipus do when he learns the truth about his parentage? Oedipus क्या करता है जब वो अपने parentage के बारे में पता चलता है? Yes, he runs away. No, he blinds himself. जब Jocasta suicide commit कर लेती है तो तभी वो blind कर, अपने आप को blind कर लेता है। Next is, what role does, यहाँ पे truth क्या था? Hopefully आप सबको पता होगा। Next question, what role does Creon play in the story? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए Creon कौन था? Brother of Jocasta. ओके, एंड ही इज ऑल्सो फॉइल कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर थिंग, कि ये एडवाइजर, ओके एडवाइजर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो ब्रदर इन लॉ भी आ सकता है, ब्रदर इन लॉ ऑफ ईडिपस, तो आंसर इज ईडिपस एडवाइजर, क्रियोन का जो मेन रोल था, और लास्ट में किंग भी बन जाता है, यहाँ पे किंग का भी ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साइट एंड ब्लाइंडनेस इन द प्ले, हमने देखा ना ब्लाइंडनेस किसकी थी? यस, ब्लाइंडनेस कौन शो कर रहा है यहाँ पे? टायरिसियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड साइट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ईडिपस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? यस, इट रिप्रेजेंट नॉलेज एंड इग्नोरेंस, कि जिसके पास आई साइट नहीं है, ओके, जो ब्लाइंड है उसको नॉलेज है, और जिसके पास आई साइट है जिसको दिख सकता है पर वो किसमें? इग्नोरेंस में, ओके, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ईडिपस रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ हिज पेरेंट्स डेथ, जब पेरेंट्स की डेथ की न्यूज लेकर कौन आता है पहले बताओ आप? यस, मैसेंजर, यस, ही इज डिवास्टेटेड, अभी क्यों था ऐसा जल्दी बताओ, सॉरी, यहाँ पर जब वो न्यूज लेकर आता है तो उसके पेरेंट्स की डेथ बताता है, तो पहले उसको रिलीव, लेकिन बाद में साथ ही साथ क्या बता देता है उसको, वो लिनिएज, कि वो तुम्हारे, जब वो मना करता है कि ठीक है तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी मदर अकेली है वहां पर, तो वो मना कर देता है आने के लिए कि प्रोफेसी अभी भी अधूरी है, फादर की तो डेथ हो गई लेकिन मदर के साथ की जो प्रोफेसी है मैं नहीं चाहता वो फुलफिल हो जाए, तो मैं नहीं आऊंगा वहां पर। तो मैसेंजर बताते हैं कि नो, दे आर नॉट योर रियल पेरेंट्स, कि वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है, तो उसको अपने पेरेंट जो लीनियस थी वो पता चल जाता है, तो उसको डिवास्टेटेड हो जाता है कि लाइक मैं छोड़ कर आया, सब कुछ हुआ, ओके, तो ही फील्स डीप डिस्पेयर अपॉन लर्निंग द ट्रूथ अबाउट हिज लीनियज एंड द फेट ऑफ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द कोरस रिप्रेजेंट इन ग्रीक ट्रेजेडी, अगेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोरस किसी भी ग्रीक ड्रामा और ट्रेजेडी का, इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये वॉइस ऑफ द पीपल है, ओके, ये कॉमेंट्री पास करता है, ओके, कॉमेंट्री, एंड ये सोशल जो सोसाइटी होती है उसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है? ऑडियंस एंड जो एक्टर है उनके बीच में ब्रिज, ओके, द कोरस रिप्रेजेंट क्या करता है? द वॉइस ऑफ द पीपल, ओके, ये मॉरल एंड द सोशल पर्सपेक्टिव होता है जो सिटीजंस का, उसको रिप्रेजेंट करता है, कमेंट करता है एक्शंस पे, या फिर जो आगे की चीजें होती है उसको इनसाइट प्रोवाइड कराता है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट टेल्स ईडिपस अबाउट द प्लेग इन द थीब्स, कौन बताता है उसको? यस, क्रेओन, क्रेओन इन्फॉर्म्स ईडिपस अबाउट द प्लेग एंड नीड टू फाइंड, कि वो बताता है कि ठीक है तो प्लेग है और हमें जरूरत क्या है इस टाइम पे, कि लियोस के मर्डरर को हमें ढूंढना पड़ेगा टू रिस्टोर द ऑर्डर। वो क्या बताता है कि इन्फॉर्म करता है कि टू रिस्टोर द ऑर्डर वी नीड टू फाइंड आउट द मर्डरर ऑफ लियोस, ओके, जिसने भी उसको मर्डर किया है, कहीं ना कहीं वही कॉज है इसका, इस प्लेग के आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रीजन क्या है कि वो जो मर्डरर है वो इसी सिटी में रह रहा है थीब्स में, तो पहले हम उसको पता कराएंगे ताकि ये रिस्टोर हो सके ऑर्डर जो था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ जकास्टा एट द एंड ऑफ द प्ले, क्या होता है वो लास्ट में? शी डाइज बाय सुसाइड, यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ईडिपस डू आफ्टर ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ। वो अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, उसके बाद क्या करता है वो क्रेयोन से कहता है कि मुझे यहां से जाने दो। वो कन्फ्रंट करता है क्रेयोन को और उससे कहता है कि मुझे थीब्स को छोड़ के जाने दो ताकि जो प्लेग है ये खत्म हो सके, जो पहले का ऑर्डर था वो रिस्टोर हो सके। ठीक है, ऐसे ये भी कहता है कि प्लीज सिक्योर द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर्स फॉर हिज डॉटर, क्योंकि उसकी जो डॉटर्स होती हैं, ये ईडिपस हैड फाइव चिल्ड्रन आई थिंक विच कास्टा, तो उसको बोलता है कि जो मेरी डॉटर्स हैं उन सबका ध्यान रखिए, क्रेयोन से बात करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट इज, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन ईडिपस स्पीच, की कौन सी लिटरेरी डिवाइस थी। यस, फोर शेडोइंग मेटाफर, ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। हमने जब डिस्कस किया तब भी पढ़ा था कि आयरनी है यहाँ पे, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक ड्रामेटिक आयरनी कैसी थी कि उसकी चीजें जो उसके साथ हो रही है उसको नहीं पता, ही वॉज अंडर इग्नोरेंस, पर जो ऑडियंस थी वो अवेयर थी सब चीजों से, क्या हुआ है क्या हो रहा है। तो कहने के लिए क्या थी आयरनी, कि वो चीजें जो सर्च कर रहा है वो पहले से ही आधे लोगों को पता थी, ऑडियंस को पता थी, तो यहाँ पे आयरनी का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ प्लेग इन द इन थेब्स, क्या कॉज था प्राइमरी। यस, ईडिपस एक्शंस, जो उसके एक्शंस थे वो रियल कॉज था थीब्स में प्लेग आने का। ओके, द प्लेग इज अ पनिशमेंट फॉर ईडिपस एक्शंस, जो ईडिपस का एक्शन क्या था, अपने फादर को किल करना एंड बाय मैरिंग जो हिज ओन मदर, उससे शादी कर लेना, तो ये क्या था कहीं ना कहीं कि उसने मर्डर कर दिया उसका, विच ही अनोइंगली कमिटेड, और जो भी एक्शन थे वो अनोइंगली कमिटेड थे। ओके, उसने कोई इंटेंशनली कुछ नहीं किया था वहां पे, पर स्टिल वो उसके लिए पनिशमेंट थी जहां पे जो प्लेग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अल्टीमेटली लीड्स टू ईडिपस डाउनफॉल। यस, अगेन प्राइड, यहाँ पे क्वेश्चन ह्यूब्रिस भी आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ये। नेक्स्ट इज, हाउ डज ईडिपस ट्राई टू अवॉइड हिज फेट, वो अवॉइड कैसे करने की ट्राई करता है। बाय लीविंग थीब्स, ओके, तो क्या करता है, कोरिंथ छोड़ देता है। ओके, कोरिंथ में कौन थे, इसके फोस्टर पेरेंट्स थे जो इसको पालते हैं, लेकिन ईडिपस क्या करता है इस फेट को अवॉइड करने के लिए, वो कोरिंथ से निकल जाता है एंड लीव फॉर थीब्स, कि मैं थीब्स में चला जाऊंगा, अपने घर नहीं रहूंगा, वहां पे फादर होंगे तो वे भी सेफ रहेंगे, जो मदर के साथ प्रोफेसी है वो भी नहीं हो पाएगी फुलफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ट्रेजिक हीरो मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईडिपस। यस, ट्रेजिक हीरो मींस, यस, अ कैरेक्टर विद नोबल बर्थ हु फॉल्स फ्रॉम द ग्रेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई ट्रेजिक हीरो है तो वो कहीं ना कहीं एक हाई पोजिशन पे होगा, ओके, उसकी पोजिशन हाई होगी, फिर उस पोजिशन से उसका डाउनफॉल होगा, कंप्लीटली अपोजिट। ओके, तो यहाँ पे ईडिपस इज अ ट्रेजिक हीरो ड्यू टू हिज नोबल स्टेटस, उसके पास एक नोबल स्टेटस था एंड हिज इवेंचुअल डाउनफॉल जो है वो स्टेमिंग फ्रॉम हिज डाउन, क्या था उसका, क्यों था, यस, फ्लोज, जो उसका डाउनफॉल था वो इसके फ्लोज की वजह से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ईडिपस नेम मीन, ईडिपस के नाम का मतलब क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट लास्ट क्लास में। यस, स्वॉलन फूट, द नेम ईडिपस रिफ्लेक्ट्स हिज कंडीशन एट बर्थ, मींस वो क्या शो कर रहा है, जो उसकी कंडीशन थी बर्थ के टाइम पे, कंडीशन एट बर्थ कैसी थी उसकी कंडीशन, वेयर हिज फीट वर स्वॉलन ड्यू टू बीइंग बाउंड बाय हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके दोनों जो फुट होते हैं उसको टाई कर देता है, तो उससे उसके जो फीट होते हैं वे स्वेलिंग आ जाती है उन पर, तो इसलिए उसका नाम ईडिपस ने पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जो मैसेंजर शेफर्ड देकर आया उस मैसेंजर को, तो उसके उसी टाइम पर भी जो फेट थे वो पहले से ही स्वेल थे। नेक्स्ट इज, व्हाट रोल डज फेट प्ले इन ईडिपस रेक्स, फेट का क्या रोल था। यस, इट इज प्री डिटरमिंड एंड अनअवॉइडेबल, वेरी गुड, कि ये पहले से डिसाइडेड है एंड अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल, कि आप नहीं इसको अवॉइड कर सकते, कि तुम चेंज कर सकते हो, नो, इट इज अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ओरेकल एट डेल्फी टेल ईडिपस, क्या बताता है ईडिपस को, ओरेकल की जो प्रोफेसी होती है शुरू में डेल्फी, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट, दैट ही विल कॉन्कर थेब्स, नो, ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। यस, ये जो प्रोफेसी होती है यही यहाँ पर जो इवेंट्स होने वाले हैं, जो ट्रेजिक इवेंट्स आगे प्ले में होने वाले हैं, इसको पहले से ही सेट कर देती है। ओके, यहीं से ईडिपस की डेस्टिनी शेप होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द शेफर्ड इन द स्टोरी, शेफर्ड कौन था जिसको जो कैस्टा एंड लियोस बोलते हैं कि जाओ उनके जो बेटा है उनका जो सन है उसको बाहर जाके माउंटेन पर उसको मार दो या फिर छोड़ के आ जाओ, तो शेफर्ड वो है। ओके, इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, He reveals Oedipus' true parentage, सिर्फ यही इकलौता है जो रियलिटी बता सकता था। Also, Shepherd was इकलौता, sorry, eyewitness of जब Oedipus
अपने फादर को किल कर रहा होता है तो जो पूरा बैंड होता है वहां पे सिर्फ शेफर्ड बचता है जिसने देखा होता है ये सब कुछ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इन ओडिपस रेक्स, कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ओडिपस वर्सेस फेट, ये वहां पे मेन कॉन्फ्लिक्ट था। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व्स अराउंड ओडिपस स्ट्रगल अगेंस्ट द फोरटोल्ड डेस्टिनी, वो पूरे टाइम स्ट्रगल करता रहता है अपने जो पहले से ही बताए हुए प्री डिटरमिन फोरटोल्ड डेस्टिनी थी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जकास्टा'स एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेसी, प्रोफेसी के लिए उसका क्या एटीट्यूड था? शी बिलीव्स नो, स्केप्टिकल एंड डिसमिसिव। ओके, शी यूज्ड टू डिसमिस प्रोफेसी बिलीविंग दे कैन बी इवेडेड, उसको लगता था कि ये जो प्रोफेसी होती है इवेड की जा सकती है। जैसे उन्होंने क्या किया था, अपने जो सन था उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्होंने उसको मार दिया अब ये प्रोफेसी सच नहीं हो पाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि कैन बी इवेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ओडिपस इनिशियली रिस्पॉन्ड टू टायरिस एक्यूजेशन, जब वो शुरू में कहते हैं यू आर द कॉज ऑफ दिस प्लेग तो उसका क्या रिस्पॉन्ड होता है? Yes, with anger and disbelief, वो यकीन ही नहीं करता, उसको लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। ओके, तो उसको लगता है तुम प्लॉट कर रहे हो कुछ मेरे अगेंस्ट में, मुझे ही कॉज बता रहे हो, तो वो शुरू में यकीन नहीं करता और वो रिस्पॉन्ड करता है angrily and disbelief। Next is, what is the significance of Oedipus name being connected to his feet? Name का सिग्निफिकेंस क्या है इसमें? Yes, it foreshadows his downfall. ओके, द कनेक्शन बिटवीन his name एंड his feet symbolizes tragic fate and the suffering. जो शुरू से उनका जो नेम है सोलन फोर्ट जिसकी मीनिंग है, तो वो शो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इट सिंबलाइज अ ट्रेजिक फेट एंड सफरिंग, उसकी सफरिंग जो है वो शुरू से ही दिखा रखी है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म एनाग्नोरिसिस रिफर्स इन द प्ले, ये ग्रीक अगेन जैसे ह्यूब्रिस वर्ड था, इसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, जिस मोमेंट पे जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको रियलाइज होता है द रियलिटी, ओके, जो भी रिकॉग्नाइज करता है वो चीजों को, तो उसको उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनाग्नोरिसिस। डिस्क्राइब ओडिपस मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जिस मोमेंट पे वो रियलाइज करता है अबाउट हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड एक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रियलाइजेशन हो जाती है अपने एक्शंस की, अपने आइडेंटिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ओडिपस शो हिज डिटर्मिनेशन टू अनकवर द ट्रूथ, वो डिटर्मिन कैसे होता है कि ठीक है ट्रूथ को अनकवर करना ही है? ओके, यस, बाय गोइंग टू फाइंड, वो लेता है कि ठीक है आई विल फाइंड द मर्डर ऑफ लेओस टू रिस्टोर द ऑर्डर ऑफ थीप्स। व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन ओडिपस रेक्स, अगेन आगे यहाँ पे की आयरनी थी, ड्रामेटिक आयरनी, तो इसका क्या रोल था यहाँ पर? यस, द ऑडियंस नोज मोर देन द कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर क्या था कि जो ऑडियंस थी उसको ज्यादा पता था कैरेक्टर से, लाइक ओडिपस वाज सर्चिंग फॉर हिज आइडेंटिटी, पर जो ऑडियंस थी जो सामने बैठे थे उसको पहले से पता था क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, किसने किसको मारा है, किसकी क्या रियल आइडेंटिटी है, तो क्या था, ड्रामेटिक आयरनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आयरनी का यूज क्यों किया था, ताकि जो ट्रेजेडी का इफेक्ट है वो इसमें एनहेंस कर सके। ओके, ऑडियंस इज अवेयर ऑफ ओडिपस फेट बिफोर ही इज, ओडिपस को नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है, पर ऑडियंस वाज वेल अवेयर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस टू ओडिपस एट द एंड ऑफ द प्ले, लास्ट में क्या होता है उसका, ही इज क्राउन्ड अगेन, नो, ही इज ब्लाइंडेड एंड एक्साइल्ड, वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओडिपस सर्च फॉर द मर्डर ऑफ लेओस, सिग्निफिकेंस क्या था ओडिपस की सर्च का? इट अनकवर्स हिज ट्रू आइडेंटिटी, वो सर्च किसका कर रहा था, मर्डरर का, लेकिन लास्ट में उससे क्या हुआ, इट अनकवर्स हिज ट्रू आइडेंटिटी, जो उसकी क्वेस्ट थी वो किसके लिए थी, कि ले उसके किलर को मुझे फाइंड आउट करना है, बट इट लीड्स हिम टू द हॉरिफाइंग ट्रूथ अबाउट हिज ओन एक्शन एंड द लिनिएज। ओके, अल्टीमेटली कहां गई वो उसकी सर्च, अपनी आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट इज व्हाट इमोशंस डज ओडिपस फील व्हेन ही डिस्कवर्स द ट्रूथ, जब उसको पता चला ट्रूथ का तो उसके इमोशंस कैसे थे? यस, डिस्पेयर, he was disappointed, upon learning the truth Oedipus experiences profound despair resulting in his tragic action, वो उसको 100% चाहता था कि उसको इवेट कर सके उस प्रोफेसी को। हु अल्टीमेटली रिवेल्स द ट्रूथ, नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन, हु अल्टीमेटली रिवेल्स द ट्रूथ अबाउट ओडिपस पेरेंटेज, तो क्या था अल्टीमेटली रिवेल्स, कौन करता है लास्ट में? यस, द मैसेंजर, जो उसके फादर की डेथ का मैसेज लेकर आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ क्रियोन, व्हाट इज द आउटकम ऑफ क्रियोन एट द एंड ऑफ द प्ले, क्या था लास्ट में? यस, वो किंग बन जाता है, एंड फॉइल कैरेक्टर था, ऑल्सो रिप्रेजेंट रीजन। ओके, yes, next question, what does the Oedipus ask of the citizen of Thebes when he first appear, jab wo pehli baar Thebes mein aata hai to sabse pehle wo kis cheez ke liye kehta hai citizens ko? yes, ki to reveal their troubles, ki mujhe batao tumhari kya pareshaniyan hain. Oedipus opening address emphasizes his role as a caring leader, isse hame kya pata chalta hai that he was caring leader tha. okay, he was really noble person. okay, caring leader tha, seeking to help his people, jo hamesha तैयार रहता था कि ठीक है मुझे हेल्प करने, इवन फॉर द प्लेग, जब वो प्लेग आया था तब भी उसका यही था कि ठीक है आई विल सेव द थीप्स फ्रॉम दिस प्लेग, तो तभी उसको ये था कि मुझे सर्च करना है जल्दी से जल्दी इसका कोर्स और फिर पता करके इसको बिल्कुल ठीक कर देना।
वो शुरू में आते ही यही पूछता है कि बताइए क्या दिक्कत है, मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेज ईडिपस कॉम्प्लेक्स रिफर टू इन मॉडर्न साइकोलॉजी? मॉडर्न साइकोलॉजी में आपको पता होगा कौन है, यस फ्रीवुड, हमने पढ़ा हुआ है, तो बताइए, हमने इसको भी डिस्कस किया था, यस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ये भी बताइएगा आपको अगर याद हो तो, और किसने दिया ये भी बताओगे आप, यस द आंसर इज अ चाइल्ड्स डिजायर टू रिप्लेस अ पेरेंट, यस वेरी गुड। तो दिस फ्यूडियन टर्म डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स अनकॉन्शियस राइवलरी विद देयर सेम सेक्स पेरेंट्स। तो उसमें क्या होता है, फ्यूडियन का कॉन्सेप्ट है, पहले तो आप इसको याद रखोगे, उसमें फ्यूडियन का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड जो होता है अनकॉन्शियसली डिजायर रखता है टू रिप्लेस अ पेरेंट ऑफ सेम सेक्स, अपने सेम सेक्स, ओके, ड्रॉइंग फ्रॉम ईडिपस स्टोरी। और ये कहां से शुरू हुआ था कि ईडिपस की जो स्टोरी थी वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा कार्ल जंग का है, ये भी साइको एनालिस्टिक उसमें है, ओके तो कार्ल जंग ने ये दिया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एंड फ्यूडर ने कौन सा दिया ईडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज हाउ डज ईडिपस कैरेक्टर चेंज थ्रू आउट द प्ले, कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ, यस ही बिकम मोर एरोगेंट नाउ, सेल्फ अवेयर, यस ही बिकम्स मोर सेल्फ अवेयर, ओके ईडिपस इवॉल्व फ्रॉम द कॉन्फिडेंट किंग टू सेल्फ अवेयर फिगर। पहले कॉन्फिडेंट तो पहले से ही था लेकिन खुद के बारे में उसको अवेयरनेस नहीं था, वो इग्नोरेंस में था, तो लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, अवेयरनेस कंप्लीटली आ गए, एंड फिगर ऑल्सो रिकोगनाइज हिज ट्रेजिक फेट लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस रोड्स इन द प्ले, आपको याद होगा जिस पर वो किंग लियोस को किल करता है वहां पे थ्री रोड्स मीट, तो इसको क्या सिग्निफिकेंस है, Yes, it symbolizes the choices and consequences. The crossroad represents a pivotal moment in the Oedipus life where he makes choices that leads to his doom. ठीक है, यहाँ पे तीन रोड होता है, उसको कहाँ जाना है, किस रोड पे क्या, तो क्या दिखाता है, symbolize choices and the consequences. Next question, what does Jocasta try to do protect Oedipus from prophecy? ताकि उसको जो prophecy है उसे protect किया से क्या कहती है, क्या try करती है, She tries to hide the truth. प्रोटेक्ट करने के लिए सोचते कि इसको सच का ना ही पता चले, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि ये क्या है या फिर प्रोफेसी फुलफिल हो चुकी है। यस, नेक्स्ट इज हाउ डज द प्ले डिपिक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूब्रिस, यस एज अ ट्रेजिक फ्लो लीडिंग टू डाउनफॉल, ये मेन फ्लो था, ओके फ्लो ऑफ ईडिपस। नेक्स्ट इज व्हाट डज ईडिपस डाउनफॉल सिंबलाइज, क्या डाउनफॉल शो करता है, ट्राइम्फ ऑफ फेट, यस कि जो जीत हुई किसकी हुई, फेट की हुई, ना कि फ्री विल, क्या उसने कितना भी ज्यादा ट्राई किया उसको इवेट करने का, अवॉइड करने का, लेकिन नहीं हो पाया, इवन इसके पेरेंट्स ने भी ट्राई किया था कि ठीक है सब चीजें सच ना हो, ओके जो ईडिपस की स्टोरी ये दिखाती है पावर ऑफ फेट की, फेट कितना ज्यादा पावरफुल है, एंड फ्यूटिलिटी टू ट्राइंग ऑफ ट्राइंग टू एस्केप इट, कि अगर तुम इसे एस्केप करने की ट्राई करो तो दैट वाज ऑल कंप्लीटली फ्यूटाइल, सारी चीजें बेकार है। How does the character of Tiresias serve the plot? जो Tiresias है वो प्लॉट को कैसे सर्व करता है? As the catalyst for the Oedipus realization. Okay, Tiresias' insight prompts Oedipus to confront the truth, face the truth, accelerating the play's tragic arc. Next question, what does Oedipus demand from Creon after he learns the truth? बताइए, what does Oedipus demand from Creon after he learns the truth? जल्दी बताइए। Yes, to take care of his daughters. कि नहीं daughters का? और वहां से वो एक्साइल पर चले जाते हैं। In his despair, Oedipus asks Creon to look after his daughters, showcasing his concern for their futures. Okay, future. Next question, what emotion is the chorus primarily associated with? Yes, दुखी थे। और chorus किसको represent कर रही थी? Audience को। Next is, how does the play explore the theme of family? Through the loyal and betrayal, through the dynamics of Oedipus and Jocasta, through Oedipus' relationship with his children. Yes, very good. Yes, all the above. Family की theme को यहाँ पे कैसे explore किया है? Family dynamics, loyalty, betrayal are central to the narratives. Particularly Oedipus relationship. तो ये सारी चीजें हमने Oedipus के play में देखी Oedipus के साथ. Okay, so these are 50 questions that we have done. Okay, hope आपको सब कुछ समझ आया होगा. This is clear to all of you. So, all right, that wraps up our 50 questions on Oedipus Rex for today. I hope you found it helpful and maybe a little less daunting than before. Remember, practice is key. Okay, for anything, practice is key. So, the more you engage with these questions, the more confident you will become. Okay, in the next session, we will be taking on the remaining 50 questions. I think 50 or 120. Yes, 110.
okay, on this play. Until then, keep revising and feel free to drop any doubts or questions you have. See you next time. Thank you.